सो गाइस वेलकम टू माय हाउस टू वीडियो एंड आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा इसको लेट बना रहा हूँ और थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ, आई प्रोमिस्ड यू। बट अब मैंने सोचा यार, अब मेरे इसको मतलब मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था काफ़ी पहले, तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में कुछ डिटेल्स। तो खैर, ये तो मेरा वेरांडा है, लेफ्ट में थोड़ा सा मतलब छोड़ा था हल्का सा, और एक पार्किंग दो बाइक्स के लिए। फिर स्टार्टिंग में गुस्से से हॉल है, तो ये थोड़ी सी लाइट्स इसमें अलग करवाई मैंने, मेरे को POP का काम नहीं करवाना था। वैसे अच्छा आइडिया है अगर आप लोगों को भी अगर बजट में अपना ये सीलिंग का काम करवाना हो तो। और ये वैसे मेरे सबसे छोटा कमरा है नीचे का जो अलग से निकाला था, तो यहाँ पे एक बाथरूम था बस, और एक हॉल था, एक रूम था। फिर हॉल के साथ ही अटैच वहाँ पे किचन है लेफ्ट साइड में, जो कि शायद मैंने अच्छे से दिखाया नहीं, उसके लिए सॉरी। बट अभी तक ये मतलब मॉड्यूलर किचन नहीं करवाया है, जब ये मैं बना रहा था उस टाइम पे मॉड्यूलर नहीं था। फिर ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जो फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड टू फर्स्ट जब जाती हैं, सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो गैलरीज हैं, जो कि मैं आपका मतलब आने वाली एक वीडियो मतलब आने वाली उसमें दिखा दूंगा, बट मैंने शायद से इस वाले फ्लोर की नहीं दिखाई है गैलरी। ओके, दिखाई है। तो ये अभी तक मैंने इसमें रेलिंग्स वगैरह नहीं यहाँ पे लगवाई थी अभी तक, जब ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बट पूरा घर ही बन चुका है। तो ये फर्स्ट रूम है, ये सेकेंड रूम है, इसके साथ भी एक बाथरूम अटैच्ड है, और टाइल्स वगैरह का पूरा वर्क हो चुका है यहाँ पे, एंड शावर्स बेसिन्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखोगे तो टॉयलेट की सीट है, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अब सीधे उसकी तरफ, दूसरे रूम की तरफ। तो भैया गेट बंद करना ज़रूरी है, पता नहीं क्योंकि ज़रूरी है, अच्छा लगता है भाई गेट बंद करना, क्या कैसी फीलिंग आती है। हाँ भैया चलो अपना घर अपन करते, समझ रहे हो ना। तो ये मेरा थर्ड रूम है, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये मतलब एक तरीके से आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हो, ये काफ़ी बड़ा है दूसरे उससे। हमने टॉयलेट्स काफ़ी एक्चुअली बड़े बड़े बनवाए थे, बिकॉज पुराने वाले घर में टॉयलेट्स काफ़ी छोटे थे, और थोड़ा सा एक स्पेस चाहिए होता है नहाने धोने के लिए, तो अच्छा लगता है मतलब एक थोड़ा मतलब बड़ा टॉयलेट में, एक थोड़ा घुटन सी फील नहीं होती है। आई नो सम कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इतना बड़ा टॉयलेट बनाने की क्या ज़रूरत थी, बट एवरीवन हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस इन दैट। और ये छोटी सी एक गैलरी निकाली थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी ये, यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा कुछ काम भी नहीं आएगा, स्टोरेज के टाइप में वहाँ पे बाहर चीज़ें पड़ी रहेंगी। और फिर उसके बाद इस वाले फ्लोर में बस इतना ही था कि एक लॉन्ज है, दो रूम्स हैं, दो टॉयलेट्स हैं, दो गैलरीज हैं, एक बड़ी एक छोटी। फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये पूरा फ्लोर जो है ये मेरा है, दैट मीन्स यहाँ पे जितने एक ही रूम है और एक टॉयलेट है और गैलरी है, यहाँ पे मैं रहूँगा आराम से, अपना काम वाम करूँगा। यूट्यूब तो खैर बंद हो गया अपना, ज़्यादा मैं करता नहीं। तो ये मेरा रूम है, ये भी छोटा ही रूम है जैसा नीचे था, और ये मैंने ऑलरेडी वाईफाई लगवा लिया, बिकॉज प्रायोरिटी मैटर्स, वाईफाई लगवाना ज़्यादा ज़रूरी था। और पीछे की तरफ विंडो दी हुई है, पीछे की तरफ पूरे खेत हैं, तो मस्त हवा आती रहती है वहाँ से, ठंडी ठंडी मज़े वाली। और सेम वही लाइट्स का सेटअप यहाँ पे भी है, और ये मेरा वॉशरूम है, एंड आई नो ये थोड़ा दूसरों से मैंने अलग बनवाया था, मेरे वॉशरूम में बहुत खर्चा करा अपने। एंड दोज सीट्स आर एक्चुअली सॉफ्ट क्लोजिंग सीट्स, एंड टंकी भी अंदर ही उसके है जो भी है। और ये हमारे शावर एरिया, और यहाँ पे मैं आने वाले टाइम में अपना बाथ टब लगवा लूँगा, बाथ टब के लिए मैंने स्पेस छोड़ी, बट एक्चुअली मेरा बहुत ज़्यादा बजट हिल गया था। दैट्स अ ब्लैक बेसिन, ब्लैक बेसिन बहुत महंगे आते हैं यार, वाइट से सलाह मैंने बाद में लगा, मैं खुद ही पेंट कर लेता। खैर, जो शावर एरिया है वहाँ पे मैं बाद में बाथ टब लगवाऊँगा मैंने सोचा है, बट अभी बिकॉज ऑफ द बजट इशूज़ मैंने लगवाया नहीं था घर पूरा, क्योंकि अभी कम्प्लीट था भी नहीं उस टाइम पर, रेलिंग्स वगैरह भी छूटी हुई थी उस टाइम पर, बजट के थोड़े लफड़े हो गए थे। तो ये मेरा रूम है, ये वापस से एक लॉन्ज है, सामने लेफ्ट साइड में गैलरी है जैसा आप देख सकते हो, ये बाहर का टेरेस का गेट है। तो बेसिकली यहाँ पे एक लॉन्ज, एक रूम, एक अपना वॉशरूम, सॉरी एक वॉशरूम हो गया, फिर उसके बाद ये टेरेस हो गया, गैलरी हो गई, और टेरेस में ही मतलब वॉश एरिया लेफ्ट राइट साइड में बनाया हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से तो। वीडियो में थोड़ा सा भी दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है बाद में भी। और ये मैंने एक्चुअली इसलिए ऐसे ऐसे करके दिखाया था क्योंकि ये टकरा जाता है तो वो टूट जाता है, पहले बहुत टूटता था, फिर मैंने बहुत बार तरीवरी करी तब जाके थोड़ा मतलब बंद हुआ उसको टूटना, धार टूट जाती थी उसकी इसकी वजह से। तो ये टेरेस लेफ्ट साइड में गार्डन है गाइस, और पीछे की साइड भी मेरे गार्डन है, और जो मेरा घर है वो तीनों साइड से रोड बनी हुई है, दैट मीन्स मेरा घर में कभी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने उसमें OT नहीं बनवा के रखा है। एंड दिस इज़ इट वीडियो, आई
थिंक ऑलरेडी ओवर हो चुकी है एंड 5 मिनट की थी, बट आई रियली वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दैट आई नो कि जब मैं स्ट्रीम करता था तो मैं आप लोगों को बहुत बार बोलता था मेरा घर बनने वाला है, मेरा घर बनने वाला है, बट उस टाइम पे कभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ हमेशा चीज़ें फंसती रहीं, बट इन लास्ट जो घर बना बहुत अच्छा बना, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बना एंड आई एम रियली हैप्पी कि इतना आगे तक मतलब मैं आ पाया। एंड आप लोगों को मैं दिखाना इसलिए चाहता था ये घर क्योंकि मैंने आप जितने भी लोग मेरे को फॉलो करते हैं उनको काफ़ी टाइम से पता है इसके बारे में कि हाँ भाई जगजीत ने बताया था घर बनने वाला है, एपिक ने बताया था, तो दिस इज़ इट। और लोकेशन भी बहुत अच्छी है, तो आप सब कभी भी इंदौर आओ, जो भी इंदौर से हैं वो तो ऑलरेडी मेरे से मिल चुके हैं, और अगर आप में से कोई कभी इंदौर आता है तो प्लीज़ यार अपने भाई से मिलके ज़रूर जाना। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, और अब तो खैर ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड होती नहीं, बट स्टिल आई ऑलवेज मिस यू गाइज एंड एज ऑलवेज हैव अ ग्रेट डे विद द लव्ड वंस, हैव अ ग्रेट नाइट विद द लव्ड वंस एंड एज ऑलवेज पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय।